रशिया सोवियत यूनियन में रामलीला 1960 से हो रहा है, जिसके नाम से हम लोग इसको रखे हैं नाम पद्मश्री गेनादी मिखाइलोविच स्मृत दिशा रामलीला मॉस्को रूस। वो 20 साल तक मंचन होता रहा, इसके बाद मंचन खत्म होगा, 40 साल तक बंद रहा, लेकिन जो पद्मश्री गेनादी मिखाइलोविच थे वो बच्चों को सिखाते रहे राम संस्कृति। एक साल पहले उनका देहांत हो गया तो हम लोगों ने ये वीड़ा उठाया कि हम उनके किए हुए जो इतने बड़ा काम किए हमारे लिए रशियन होकर के, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, हम उनके नए बच्चों को लेकर के एक बहुत लघु रामलीला जो कि हम 20 मिनट में दिखाते हैं, वो पूरा स्वयंवर से लेकर के अयोध्या आते तक, श्री राम जी जो अयोध्या आते हैं वहाँ हम खत्म करते हैं। ये रामलीला हमने चालू किया रशिया के लिए। धन्यवाद यूपी सरकार को, धन्यवाद भारत सरकार को, हमको यहाँ उन्होंने दो बार बुलाया कि इनका, हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ गया कि ये इनको भी वो तो वहाँ की जगह देखने को मिल गई जहाँ राम जी पैदा हुए थे, तो इनके लिए खुशी और भी अच्छे उससे मनोबल से वो काम कर रहे हैं और मंचन कर रहे हैं। राम की लीला को तैयारी करने के लिए बहुत साल लगा और करीब 3 साल तो एक्टिव, और जब वो सारी चीज़ें बन गई, स्क्रिप्ट सारी तैयार हो गई, हमने 1 महीने में तैयार कर दिया इनको, आर्टिस्टों को। और जैसे तैयार हुआ और ऊपर वाले की दया, राम जी की दया, कि तुरंत हमको निमंत्रण आ गया, इनविटेशन आ गया दीपोत्सव से। पहला मंचन सबसे बड़ी बात है अयोध्या में हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, और मैं तो श्री राम जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनको प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे छोटे उसमें स्तर पर इतने मतलब हमने एक छोटे उसमें चालू किए, कैसे उनके ध्यान में आ गए, हम लोगों को बुलाई और बुला करके मेरे ख्याल से उनको सबको पसंद आया। कुंभ महाकुंभ है हमारा, कुंभ जो हमारी संस्कृति है वो तो हमारे अंदर में है, पवित्र पर्व है हमारा, और सांस्कृतिक विभाग जो है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जितना बढ़िया इंतजाम किया है सारे हम लोगों के लिए, सारे बच्चों के लिए हमारे, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जय श्री राम। राम की माँ की फील है कैके। माय रोल इज कैके। Только на русском? Маму? Как тебя зовут? Сумитра. Вообще? Моя роль — это Кайкеи. Я мать Бхараты, и как образ я очень хочу, чтобы именно мой сын стал царем. О, Махарадж, помните ли вы, что в дни войны богов и демонов я спасла вам жизнь? Помните ли вы, о Махарадж, что вы обещали исполнить 2 любых моих желаний? И ныне я хочу получить обещанные дары. Я хочу, чтобы на трон взошел мой сын Бхарат. Рама, одевшись в одежды отшельника, должен уйти в джунгли Дандака сроком на 14 лет. Если вы не выполните мою просьбу, Hamari Jit, Satyaki Jit, Hesugriyu, Hanuman,